लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। ये मैंने चिकन लिया आधा केजी, ये बोनलेस है, आप चाहे तो हड्डी के साथ भी बना सकते हैं, मैं तो बगैर हड्डी के साथ बनाऊंगी। और एक मीडियम साइज़ की मैंने बारीक चॉप काट ली है, एक मीडियम साइज़ का प्याज, और ये हमारा कुछ खड़े गरम मसाले हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून धनिया ले लिया साबुत धनिया, और ये 3 तेज़पत्ता ले लिया, और ये 1/2 चम्मच ज़ीरा ले लिया, और ये 4 लाल मिर्च साबुत, और ये 1 बड़ा चम्मच सौंफ ले लिया। ये मैंने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर, और ये जीरा पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये हमने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ले लिया, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ले लिया। चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई लिया, उसको मैंने गैस ऑन कर दिया हाई फ्लेम पे, अच्छा गर्म हो जाना चाहिए हमारा कढ़ाई। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, ये हम सूखे मसाले को हल्का सा ड्राई कर लेंगे, हम इसे पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसे, इसमें कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, बस हल्का ड्राई टोस्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी कच्चापन हो वो निकल जाए और हम इसे आसानी से पीस लें। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसे ड्राई करने में। तो आप ये देख सकते हैं हमारा ये ड्राई हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में पलट लेंगे। चलिए इसे प्लेट में पलट लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसे मैंने प्लेट में पलट लिया, अब इसे हम पीस लेंगे ड्राई। तो आप ये देख सकते हैं मैं इसमें ये ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 100 ग्राम ऑयल डालूँगी मैं। तो ये हमारा ऑयल रिफाइन ऑयल गर्म हो चुका, अब इसमें हम ये हमारा प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर लेंगे। ये निहारी है तो इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही जाएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कलर चेंज हो गया प्याज का, प्याज ब्राउन हो चुका। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे मैं पलट पलट के हल्का सा फ्राई कर लूँगी, इस तरीके से आप ये फ्राई कर लें। हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छी तरीके से चेंज हो गया, हमें जितना चाहिए वो हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद इसे 2 मिनट तक इसमें भून लेंगे। अभी तो कर लेंगे मिक्स। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे पका लें अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं, और इसे हम 2 मिनट तक पका लेंगे। तो हमने इसे अदरक लहसुन पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से भून लिया, अब इसके अंदर हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। लाल मिर्च और हल्दी, ये काली मिर्च और जीरा पाउडर, और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और ये जो हमने पीस लिया ये मसाले सारे ऐड कर देंगे, और इसे करेंगे मिक्स, और इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला कच्चा ना रहे। देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया, और इसका खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप मेरे स्टाइल में बना के देखें और फिर कमेंट करें आपको कैसा लगा चिकन निहारी मसाला और चिकन रेसिपी।
अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन पानी हम हाफ लीटर ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो बोटियां हैं चिकन की बोटियां वो अच्छी तरीके से बिल्कुल गल जाए, रेशा रेशा हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मुझे पानी कम लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। ये मैंने तकरीबन पूरा एक लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। अभी मैं हिसाब से करी, आपको जितना थिकनेस चाहिए उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब इसे हम तकरीबन आधा घंटा तक पकने देंगे मीडियम आँच पे, लो टू मीडियम पे। हमारा ये निहारी पकते पकते आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये हमारी बोटियाँ अच्छे से गल जाना चाहिए, ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखें इसी तरीके की हमारी थिकनेस चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही चाहिए बूटियाँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर मैंने 2 चम्मच लिया। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप गेहूं का आटा ले लें, उसका घोल बना लें और वो इसके अंदर ऐड कर दें। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा डालें और इसे मिक्स कर लें ताकि इसमें गांठे ना बने। हम इसे पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट पका लेंगे। अब इसे हम ढक के पका लेंगे 5 मिनट तक ताकि हमारा जो कॉर्नफ्लोर का आटा है वो अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। तो आप देख सकते हैं जब तक हमारा निहारी पक रहा था तब तक हमने ये मसाला बना लिया। ये मैंने अदरक 1 इंच का टुकड़ा ले लिया, इसे मैंने काट लिया। ये 3 से 4 हरी मिर्च ले लिया, इसे मैंने बारीक काट लिया। ये मैंने 2 नींबू ले लिए, इसे मैंने 1/2 कर लिया। चलिए अब इसे निहारी खोल के देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये अभी पतला है, इसे थोड़ा सा और पकाएंगे गाढ़ा होने तक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका शोरबा जितना चाहे आप उतना रखें। ये मुझे पतला लग रहा है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा और पका लूँगी, उसके बाद इसे मैं डिसआउट कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं हमारी बूटियाँ जो है चिकन की कितनी अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ये सारे टूट रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके का हमें चाहिए। तो चलिए अब हम इसे डिसआउट कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा चिकन निहारी बिल्कुल रेडी है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा चिकन निहारी बिल्कुल रेडी है। ये चिकन मैंने बोनलेस लिया है, आप बोन के साथ भी बना सकते हैं, वैसे भी आपका अच्छा बनेगा। ये मेरे पास रखा हुआ था बोनलेस इसलिए मैंने इसे बना लिया। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसे बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बोनलेस ही बनाएं। आप जैसे भी बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये मैंने बनाया बिल्कुल सिंपल स्टेप में, आप इसे ज़रूर बनाएं और बनाकर खाएं और बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।